झुंड में भागते हैं, एक हिरण अकेला भागते है, वो झुंड से बाहर आता है, अकेला भागते है, फिर शेर बोलते है बस ये मैं आज मेरा खाना हो गया, वो जाके उसको झपड़ कर खा जाता है। शैतान यही करते है, एक व्यक्ति को अलग करेंगे, फिर इसको बोलते वाह मेरा बात मानकर वो अभी घर पे बैठा है, इसको अटैक करो, अटैक करके एक एक चोरी होगा, काम जाएगा, गरीबी आएगा, बहुत बहुत कुछ आने लगता है। शैतान बहुत चालाक है, हमको उससे डबल चालाक होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इकट्ठा होना, प्रभु यीशु क्या कहता है, इकट्ठा होना मत छोड़ो, क्योंकि अभी यीशु जल्दी आने वाले और आपको इकट्ठा होने का ही है, नहीं तो आपको डिप्रेशन में डालेंगे, ऐसा कुछ करके आपको बिठा देंगे, एक झूठ बस, देखो पैसे आपसे प्यार नहीं करते हैं, मत जाओ, बस गया, एक झूठ बस शैतान को आपको ट्रैप करने के लिए, फिर घंटे घंटे दिन दिन महीने महीने दिखाई नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ में मत आओ, आदर करो प्रभु के भाई और आदर। प्रेज़ द लॉर्ड। फियर द लॉर्ड, ह्यूमिलिटी, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, थैंक यू पास्टर। ओके, कम ऑन, जोर से पास्टर सेलिन के लिए ताली बजाएंगे। ओके, आधा घंटा है, सवाल है तो हाथ उठाएंगे, हम सवाल सुनेंगे और जवाब देंगे। कितने लोग सवाल लेके आए? पिछले हफ्ता हमने बोला था जो भी सवाल आपके जीवन में, प्रभु के वचन से हम आपको बताएंगे। देखो वापस बोलता हूँ, सवाल आपके जीवन में होना चाहिए। सवाल का मतलब आप सोच रहे हैं, सवाल नहीं तो आप आए चलता है चलता है, किसी को बोलो चलता है, आशीष नहीं पाएंगे। ओके ओके, सहेली दोनों बहन हाथ उठाए साथ में, सहेली ओके, माइक दो जल्दी से। या मेरा सवाल ये है कि मतलब जब से मैंने हीलिंग पॉइंट ज्वाइन किया है तो ऐसे बहुत लोग हमेशा बोलते हैं कि तुम क्रिश्चियन धर्म सिखा रहे हो, कि कौन से तुम जाते हो, तुम्हारा बिलीवर हो क्या, तुम कैथलिक्स हो, ऐसा मुझे अभी तक कंफ्यूज है कि मैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिलीवर हूँ, बट बहुत लोग ऐसे बोलते हैं क्रिश्चियन हो तुम लोग, धर्म तुम्हारा बदल गया वहाँ जाने के कारण, तुम क्रिश्चियन बन गए हो, मतलब हम ऐसा बोलते थे कि नहीं नहीं, तो बोलते नहीं तुम क्रिश्चियन ही हो, तो ये मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि एक्चुअली में हम कौन है, मतलब ये मुझे जानना है। ओके, शैली के सवाल है, ये सब पूछते हैं तुम कौन सा धर्म के हैं। आमेन, हालेलुया। हम कोई धर्म का प्रोपगेट नहीं करते, इवन क्रिश्चियन धर्म भी नहीं हूँ मैं क्रिश्चियन से नहीं हूँ, मेरा नाम एक ही है, मैं यीशु मसीह का चेला हूँ। ठीक है, धर्म हमको स्वर्ग नहीं ले जाते, यीशु हमको स्वर्ग लेके जाते। कितना लोग सुन रहे हैं? यीशु मसीह 2000 साल पहले एक धर्म बनाने नहीं आया, वो मेरा और आपका जीवन बनाने आया। ठीक है, इसलिए कोई आपसे पूछता है आपका कोई धर्म है, कौन सा धर्म है, आप बोलने के हिंदू हूं मैं, पर मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, मैं यीशु की चेला हूं। ठीक है, हालेलुया। धर्म सब समान है, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख है, मुसलमान हो, सब धर्म। धर्म का मतलब क्या है? करो करो करो। यीशु का मतलब क्या है? यीशु बोलता है कि मैं जो किया उस पर विश्वास करो। फर्क समझ रहे? धर्म करना पड़ता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का है। बस मेरा विश्वास यीशु मसीह पे है, मैं कोई धर्म से नहीं। भले ही हमारा सर्टिफिकेट है मैं क्रिश्चियन हूँ, आप हिंदू है, वो मुसलमान है, वो ठीक है, पर हमें कोई धर्म से वास्ता नहीं। जोर से बोलो, मेरा कोई धर्म से वास्ता नहीं। मैं क्रिश्चियन नहीं बना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी पे विश्वास नहीं करता हूँ। सुन रहे? मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। इन अंतिम दिनों में शैतान की सबसे बड़ी चाल है क्रिश्चियनिटी, धर्म बोल के आपको अलग करना। समझ रहे हैं? कितना लोग सुन रहे? बोलो, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु का चेला हूँ, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। बस कोई प्रॉब्लम आपको? उसे पूछा कोई प्रॉब्लम आपको? अरे हिंदू है या क्रिश्चियन है या मुसलमान है, क्या फर्क पड़ता है? इंसान है। प्रभु यूहन्ना 3 उसका 16 में लिखा है, परमेश्वर ने इस जगत से, जगत क्या है, किसका है, हिंदू का है, मुसलमान का है, क्रिश्चियन का है? नहीं, हमारा है भाई।
हमसे वो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? आप क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आपसे वो प्रेम, आपके लिए वो कालवरी क्रूस पर सूली चढ़ा भाई, मेरे लिए कुर्बान हुआ। जो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे वो कभी नाश नहीं होंगे, पर वो अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया, जोर से बोलो, मैं अनंत काल के जीवन के लिए हूं। आप क्या है? शरीर नहीं है, आप क्या है? आत्मा है। आत्मा मरता नहीं भाई, जोर से बोलो, आत्मा, रूह मरता नहीं। हमारा शरीर जो मिट्टी से लिया मिट्टी में चला जाएंगे, पर हमारी आत्मा जो प्रभु दिया वापस प्रभु के पास जाएंगे। इसलिए हमको, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, क्या कहता है? एक जिंदगी और न्याय। जोर से बोलो, एक जिंदगी, दोबारा जन्म लेने वाला नहीं भाई, एक ही जिंदगी है जीने का। यीशु के लिए जियो, आप पक्का आशीष पाएंगे और अनंत काल जीवन आपके लिए। किसके लिए? जो यीशु मसीह। कौन हमको स्वर्ग ले जा सकता है? कोई धर्म आपको स्वर्ग, इवन क्रिश्चियन धर्म भी आपको स्वर्ग नहीं के, लिख के ले लो, क्रिश्चियन है तो स्वर्ग नहीं जाएगा भाई, पर यीशु आपको स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया, जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे स्वर्ग लेके जाएगा। मैं यीशु का चेला हूं, मैं यीशु का बेटा हूं। बस, आपको कोई तकलीफ? किसी से पूछने, आपको कोई तकलीफ? ओके, सही उत्तर मिला, समझ में आया, क्लियर हो गया, अभी किसी को छोड़ने का नहीं। ओके, कविता, हाँ, ओके, लखन के सवाल। लखन पहले गुंडा मवाली था, आज देखो हमारी मारपीट करता है, मर्डर भी किया ना, अरे दिखाना मत उसका चेहरा, सुपारी लेके मारते थे, परंतु अब भी कितने साल हो गए, एक साल, दो साल, हाँ, नहीं नहीं, लखन, लखन, ओके ओके, बोलो लखन। मेरा मन नहीं लग रहा है पास्टर जी। मन नहीं लग रहा है? क्यों मन नहीं लग रहा है? मतलब है, देखो, जब आप एक पाप करता है, और कुछ खाली मन नहीं लग रहा, और कुछ? उनका कहना ऐसा है, मतलब ना, दो संडे से मीटिंग भी नहीं आ रहे, मतलब उनको मीटिंग लेके आने को धक्का मार मार के लेके आना पड़ रहा है, और पांच पांच मिनट में ऐसे बोलते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। मेरा भी एक क्वेश्चन है, मन नहीं लग रहा तो उसका मतलब, मतलब क्या हो रहा है? वो बता रहे नहीं, सिर्फ मन नहीं लग रहा है, बस इतना ही। काम पे जाने का मन नहीं लगता है, कलीसिया जाने मन नहीं लगता है, ना कुछ भी करने का मन नहीं लगता है। तो उन्हें तो पहले तो बहुत अच्छे से काम पे जा रहे थे, अभी करीबन तीन हफ्ता या दो हफ्ता होने को आया, उनका मन नहीं लग रहा है, उनको कलीसिया पकड़ पकड़ के लेके, ये संडे भी नहीं आ रहे थे, उनको कैसे तो कर करके रो रो के, मैंने बोला प्रभु उसको कैसे भी लेके चल दे, शैतान का छाल है। फिर मैंने प्रार्थना किया, फिर वो बाहर आए, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद है, उनका उत्तर तो समझे हो। इसलिए देखो, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा बोल के बैठेंगे क्या होगा? पहले मैंने क्या बोला, पहले अटैक कौन कहाँ करता है? शैतान मन में करता है। इसलिए आज से बोलो, मन लग रहा है। किस में लग रहा है? यीशु में लग रहा है। दस बार बोलो, मन यीशु में लग रहा है। ये मन यीशु का मन है, मैं यीशु जैसा जीऊंगा, मैं यीशु जैसा बोलूंगा। क्या होगा? यीशु मसीह आपका जीवन को कब्जा करेगा, क्योंकि वो जिंदा है। जब आप बोलता है ना, प्रभु का वचन यशिया में लिखा है, उसका बोली क्या बिना कार्य किए वापस नहीं आता। परमेश्वर का बोली बिना काम किए वापस नहीं आता, पर किसके लिए काम करेगा? जो बोलेगा। ये यीशु का मन है। आज से मुझे प्रभु मन दिया है, मैं वो काम मन से करूंगा, वो काम यीशु के लिए करूंगा। तो क्या होगा? आपका मन बदलेगा, आपका माहौल बदलेगा, आपका एटमॉस्फेयर। देखो, आपको एटमॉस्फेयर बनाने का है जिसमें आप जीते। एदन वाटिका बोलकर जगह नहीं था, एदन वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति था। क्या था? उपस्थिति। परमेश्वर बोला, जिस दिन तुम ये फल खाएगा उस दिन मर जाएगा। क्या हुआ? वो उपस्थिति निकल गया। इसलिए सारा मानव जाति पाप में फंस गए। आज प्रभु की अनुग्रह है, उसी उपस्थिति में हम रह सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
इसलिए हमको बोलने का है मुझे यीशु में मन है। क्या बोलेंगे? अच्छे नहीं बोलने, मन नहीं लग रहा। जब आपको विचार आता है मन नहीं आ रहा, मन नहीं आ रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं, क्या हो रहा? शैतान आपके सिर में आपके आपके घोंसला बना रहे, गढ़ बना रहे, जिसके द्वारा और अटैक करे। पर उसकी वजह क्या है? कहीं ना कहीं आपने शैतान को मौका दिया। सुन रहे? जब प्रभु को मौका देगा, प्रभु आपके जीवन में काबिल होकर कार्य करेगा। पर जब आप शैतान को पाप में, गलत चीजों में, गलत दोस्तों में, गलत बातों में आप क्या करेगा, मौका देता है शैतान आपके सिर में गल, फिर हफ्ता महीना यही बोलते रहेगा। तो आज से क्या बोलेंगे आप? मुझे मसीह का मन है। जोर से बोलो मुझे, सब मिलके बोलो मुझे मसीह का मन है। मैं यीशु मसीह जैसा जीऊंगा, मैं यीशु मसीह जैसा सोचूंगा, मैं काम करूंगा यीशु मसीह के लिए करूंगा, मैं परिवार चलूंगा यीशु मसीह के लिए चलाऊंगा, मैं बच्चों को पालूंगा यीशु मसीह जैसा। जब आप ये बोलेगा क्या होगा? आपका एटमॉस्फेयर को यीशु मसीह कब्जा करेगा और फिर क्या होगा? आशीष, उन्नति, बरकत और सब कुछ सही हो जाएगा। पर उसके लिए हमको पहले अपना मन को तैयार करने का। अपना मन क्या है ना? बैटल फील्ड है। क्या है? युद्ध भूमि। ठीक है? ये अच्छा बीज गिरा सकता है, नहीं तो शैतान की बीज बनकर वो आपको शैतान का गढ़ बन जाएंगे। इसलिए हमेशा बोलने का, ये मन यीशु का मन है। मैं यीशु मसीह जैसा चल, यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर चढ़ने से पहले कांटों का मुकुट पहना, उसके सर से खून निकला है, ताकि ये मन यीशु का मन है। इस मन को यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट से दाम चुकाया है। शैतान, ये तेरा खिलवाड़ का कचड़ा का डब्बा नहीं, ये मेरा यीशु की महिमा वाला जगह है। हालेलुया, हालेलुया। देखो देखो, एक कहावत है ना, एक कहावत है, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। कैसे हिंदी में बोलेंगे? खाली मन शैतान का कार्यशाला है। खाली मन शैतान की। इसलिए हमारा काम, हमारा जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी क्या है? इस मन को यीशु की वचन से भरो। क्यों संडे आने बोलते? ताकि जब आप सुनेगा, आपके मन में परमेश्वर का वचन गूंजेगा। क्यों आपको यूट्यूब वीडियो जो हम भेजते हैं सुनने का? ताकि आपका मन परमेश्वर की वचन से गूंजे। तब फिर आपका मन खाली नहीं होगा, शैतान की बातें नहीं आएगा, परमेश्वर की बातें आएंगी, आपसे फिर भलाई निकलेगा। प्रभु का वचन कहता है जीवन की नदियां आपसे बहेगा। कब? जब आपका अंदर वचन से भरा है, आपका दिल और मन वचन से भरा है, तो आपके अंदर से जीवन की नदियां निकलेगा। फिर इस शरीर में बीमारी हो सकता है? किसी को बोला? कभी नहीं। मैं बिना बीमारी का जीऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है, मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। ये हम जो वचन हम सुनते हैं, हमको बोलते रहे, अच्छा लगे या नहीं लगे, हमको बोलते रहने का। जब हम बोलते रहेंगे, हमारा मन यीशु से भर जाएंगे, और फिर वो विचार आएगा नहीं, फिर आप सुबह उठेगा, काम पे जाने का काम पे जाएगा, सुबह उठेगा प्रार्थना करेगा करेगा ही, क्योंकि आपका मन उसमें लग गया, आपका मन उसमें बैठ गया। इसलिए किसी ने बोला, अगर 30 दिन आप एक काम करेगा, वो काम आपका आदत बन जाएगा। हालेलुया। 30 दिन हर रोज आधा घंटा प्रार्थना करेगा, तो 21वां दिन आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आप पक्का प्रार्थना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका आदत बन गया। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। एक व्यक्ति का जीवन, उसकी बुरी आदत उसको बिगाड़ता है, एक व्यक्ति का जीवन उसकी अच्छी आदत उसका ऊंचाई पर लेके जाता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए आपका जीवन में आदतें कौन सा है, कौन सा लत है। प्रभु का लत है तो आप पक्का आशीष पाएगा, शैतान का लत है तो आप पक्का आशीष नहीं पाएगा। कौन सा लत में है? 24 घंटा क्या करते हैं आप? इंपॉर्टेंट है। ले नींद आते हैं।
एक दिन मौसी को खड़ेंगे प्रचार करने के लिए। मेरे को हालेलुया। देखो ये जो सिस्टर का प्रश्न है, बहुत सारे लोग का प्रश्न है, उसको मन नहीं लगता है। इधर आएगा तो सब समझते, पर जैसे इधर से बाहर जाएगा उसको सुनाई नहीं देते। हाँ, जब भी वो सुबह उठता भी है प्रार्थना करने के लिए, पर मन नहीं लगता प्रार्थना करने के लिए। कितने लोग का अनुभव है? आई नो, मुझे मालूम है बहुत सारे लोग का अनुभव है। यस, ओके, आप गौर से सुने मैं क्या बता रहे। देखो, पहला दो तरह के मनुष्य है, एक है नेचुरल मैन, एक है आत्मिक मनुष्य। नेचुरल मैन कौन है? मुझे नेचुरल बोलते हिंदी में, नहीं नैसर्गिक, नेचुरल नैसर्गिक, यस नेचुरल मैन। वो दुनिया के लोग सब नेचुरल है, उनको सुपर नेचुरल मालूम नहीं, यीशु कौन है मालूम, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, सिर्फ चमत्कार देखने का, नमस्कार करके निकलने का, बस उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब अब विश्वास में आता, वहां पर भी दो तरह के व्यक्ति है, बोलो दो तरह के। हाँ, एक है शारीरिक विश्वासी, दैट्स कॉल्ड कार्नल बिलीवर। पॉलो लिखते हैं शारीरिक विश्वासी, उसका इंग्लिश वर्ड है कार्नल बिलीवर। दूसरा है आत्मिक विश्वासी, स्पिरिचुअल बिलीवर। ओके, सुनो गौर से, हमारा ऊपर है, चुनाव हमारा है। शादी किया चुनाव हमारा था, पढ़ाई किया चुनाव हमारा था, है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। तो चुनाव हमारा ऊपर है, हमको कौन सा विश्वासी बनने का है, शारीरिक विश्वासी बनना है या आत्मिक? ओके, अभी शारीरिक विश्वासी कैसा बनता है? जो विश्वास में आता है, बपतिस्मा लेके आया है, आत्मा में भी भरा है, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, पर आत्मिक कुछ उन्नति नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, इतना बिजी रखते शैतान उसको, या कलीसिया में नहीं आते, क्योंकि उसको अभी भी बच्चे के तरह है। हालेलुया, बच्चे के तरह बोलेगा तो देखो, आपका बच्चे है, कोई बच्चा बहुत होशियार है पढ़ाई करने के लिए, हाँ हर टाइम फर्स्ट रैंक क्यों करते हैं? क्योंकि मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, क्यों फर्स्ट रैंक आते हैं, ऐसे फर्स्ट रैंक आते हैं बच्चों लोग? क्योंकि एक बच्चा बहुत मेहनत करता है, शायद वो पढ़ाई लिखाई में उतना होशियार भी नहीं है, फिर भी मेहनत करते, इसलिए वो कौन सा नंबर आता है, पहला नंबर। क्यों पहला नंबर आया? वो मेहनत करता है। किससे मेहनत करता है? पढ़ाई लिखाई में, टीचर जो बोलते हैं सुनते हैं, वो टीचर जब बोलते हैं आज कौन सा फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेट खेलेगा, उन्हें बात नहीं करेगा, गौर से सुन रहे हैं टीचर क्या बोल रहा है। घर में जाएगा तो टीचर जो सिखाए, होमवर्क पहला करता है, सब मेहनत करते हैं, तो फर्स्ट है क्लास में, फर्स्ट है। और दूसरा बच्चा है, आज क्या खेलेगा, आज क्या खाना खाएगा, किधर जाएगा पार्टी में, इनको कोई चिंता नहीं आत्मिक चीजों में, समझ गए मेरी बात? तो पढ़ाई लिखाई में जीरो आते हैं, लाल रंग है, समझ गए? ऐसे ही विश्वास में कोई विश्वासी चुनाव करता है, मेरे को आत्मिक बनने का ही है, मेरे को प्रभु का करीब जाना है, मेरे को स्वर्ग पहुंचने का ही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मुझे यीशु का करीब आना है। वो क्या करेगा, क्या करेगा? बाइबल पढ़ेगा, वो मेहनत करेगा, क्या करेगा? वो मेहनत करेगा। शैतान कभी नहीं चाहते कि आप आत्मिक विश्वासी बने, शैतान चाहते है कि आप आम जनता लोग एक शारीरिक विश्वासी बने। आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, बाइबल मत पढ़ो, मत पढ़ो बाइबल, कलीसिया में मत जाओ, घर में जैसा आप बिचारा आप लोग सुबह भी उठते हैं प्रार्थना करने के लिए तुरंत, अरे 4 बजे उठ गया, अभी 7 बजे हो गया, पूरा टाइम गया, निकल गया, ऐसा शैतान करता है। शैतान का यही काम है आपका फील्डिंग करना, आपको गोल मारने को नहीं देगा। देखा फुटबॉल मैच में शत्रु का टीम है, हमारा टीम है, वो क्या करते है, फील्डिंग कर, इसको गोल मारने को मत दे, तू इसको फील्डिंग कर, इसको फील्डिंग कर। शैतान अब दुष्टात्मा को भेजते हैं आपके फील्डिंग करने के लिए, एक नहीं दो तीन दुष्टात्मा आएंगे आपके चारों ओर, इसको बाइबल पढ़ने को नहीं देने का, इसके कान को बंद करने का, इसको अंदर आत्मी नींद देने का,
उसके मन में आके इधर आके बैठेगा। वो शैतान कैसे दिखते हैं मन में? बंदर को देखा है, वो छोटा बंदर है, छोटा बंदर, बहुत नटखट बंदर है, दुष्ट आत्मा है, बंदर दुष्ट आत्मा है, बंदर का भी पूजा करते हैं कभी। हेलो, तो क्या होती है, इधर आके बैठते हैं, पाव दो पाव हिला के, पूछ को हिला के बोलते, आज ना तुम मीटिंग जा रहे है, मत जाना, आज मेहमान आएगा, तू आज मत जा, तेरे मन में तेरे को अच्छा नहीं लगते मीटिंग में, मत जा मीटिंग में, समझ रहा है? सॉरी बोलना पड़ता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर वो बाइबल पढ़ने को सुबह उठता है, बाइबल बाइबल पढ़ रहे है, क्रिंग क्रिंग, देखो तेरा मोबाइल बजते है, पकड़ो पकड़ो, हाँ हाँ बातें करो, और बातें करो, और बातें करो, यस। स्टेटस स्टेटस देखो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कितना लाइक्स है, हाँ बाइबल गया बाड़े में, फिर गया आराधना करे, अरे आराधना मत कर, बच्चे रो रहे हैं, चलो जाओ जाओ बच्चों को देखो क्या हो रहा है, हाँ अरे बहुत, तू बच्चे आजकल यूट्यूब पैसेस भेजते हो, तुम यूट्यूब सुन रहे, कान में रुई भरो, कान को सुनने का ही नहीं, सुनने का नहीं यूट्यूब, कुछ भी नहीं करने का, मेरा जैसा बनने का, मेरे साथ आने का नर्क में, समझ गया, स्वर्ग में जाने का ही नहीं, उधर तू विश्वासी नाम का चलेगा, नाम का विश्वासी चलेगा, पर स्वर्ग में नहीं जाने का, तुम मेरे लिए डेंजर नहीं है, पर जो आत्मिक है ना वो व्यक्ति वो देखो बहुत बाइबल पढ़ते, ये मेरे लिए बड़ा खतरा है, खतरा ही नहीं है, तू विश्वासी है बहुत, मेरा जैसा ही है, झूठ बोलते हैं, ये करते हैं, तू वचन के लिए टाइम नहीं है तेरे को, बाइबल मत पढ़, एक्सरसाइज कर, जिम में जाओ, पर बाइबल मत पढ़, बाइबल पढ़ने को नहीं देगा तेरे को, बाइबल बिल्कुल पढ़ने को नहीं देगा तेरे को, कलीसिया में जाने को नहीं देगा तेरे को, मन में पिछले बार वो सिस्टर तेरे से फाइटिंग किया, तू फिर भी जा रहे उधर, क्यों जा रहे, मत जा उधर, नहीं जाने का, तू मेरा जैसा बन, मैं आ रहा हूँ, तू मरेगा ना यम, तू मैं दुष्ट बनकर तेरे को आएगा नरक में लेके जाने के लिए, समझे मेरे बातों को, बहुत सीरियस बात मैं बोल रहा हूँ, शैतान कभी नहीं चाहता है आप स्वर्ग जाए, विश्वासी नाम है चलेगा, प्रकाशित वाक्य दो में योनान सात कलीसिया को लिखते हैं, एक कलीसिया को बोलते हैं तेरा बड़ा नाम है पर तेरे अंदर आत्मा आत्मिक चीज नहीं है, तेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है आत्मिक चीज, कली कलीसिया में आते हैं नाम है विश्वासी परंतु आत्मिक नहीं है, वो कैसा विश्वासी है, शारीरिक विश्वासी, बाइबल पढ़ते हैं पर बाइबल का कुछ भी नहीं करेगा, कलीसिया में आएगा तो भी नींद आएगा, बाइबल पढ़ेगा बाइबल का नीचे गिरेगा, इंटरेस्ट नहीं देगा आपको, कुछ समझता ना है, काय समझते ना है, क्यों समझा कोई, शैतान आपको रोकता है समझने से, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आत्मिक बने, आपको खाली शारीरिक विश्वासी बनाना है, शारीरिक सब लोग शारीरिक है, खाली चिन्ह लोग है जो क्या है, जो आत्मिक है, हमको आत्मिक विश्वासी बनना है, जस्ट बिकॉज आपका मम्मी पापा विश्वासी है आप फिर भी शारीरिक विश्वासी बन सकते हैं, आत्मिक नहीं, सबका जीवन व्यक्तिगत है, अगर अपोस्टल जी अच्छा वचन पढ़ेगा प्रार्थना करेगा वो स्वर्ग जाएंगे, वो आत्मिक बनेंगे, अगर मेरे को सब कंटाले लगते हैं बाइबल पढ़ने के लिए आराधना करने के लिए और दूसरा पॉप सॉन्ग रॉक म्यूजिक वाओ नाचते हैं नींद भी नहीं आता है, इंस्टाग्राम सब देखेगा आप पढ़ते भी नहीं देखे, पर जब बाइबल पढ़ते काय वचन काय वचन आए का कंटाला लगते है, समझे मेरे बात, शैतान बहुत चालाक है, आपको शारीरिक विश्वासी बनाएंगे, फिर दारू पीना ये विचार करना बहुत आसान है, सब दारू देगा आपको, दारू बराबर मांगी को दारू पिला के बिठाएगा, क्यों आत्मिक नहीं है, आत्मिक नहीं है, बहुत आसानी को आपको पकड़ेगा, समझ गया, पर आपको क्या करने का है, वचन में ज्यादा टाइम फोकस करो, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, एक मिनट जस्ट एक फिनिश करता हूँ, हालेलुया, तो कितने तरह का विश्वासी है, कौन सा है, दो विश्वासी, अभी आपको मालूम है आप कौन सा विश्वासी है, शारीरिक या आत्मिक, मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, शारीरिक या आत्मिक, यस, विश्वासी नाम के लिए मत आओ, आत्मिक बनो, आत्मिक आत्मिक इससे नहीं बनता है आप कितना ऑनलाइन मीटिंग देख रहे हैं, इससे बनता है आप वचन कितना आप खुद पढ़ते हैं,
खुद स्तुति आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, कलीसिया में आता है, इससे आप आत्मिक बनता है। हालेलुया। आपको मेहनत करने के, जैसे आपको फर्स्ट रैंक मिलने के लिए मेहनत करना पड़ता है, आप एमकॉम करते हैं, आप एमए करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं, कॉलेज जाते हैं, बड़े बड़े पढ़ाई क्यों करते हैं? क्योंकि आप इंटरेस्ट है पढ़ाई करने के लिए। किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है क्या पढ़ाई करना है, क्या डिग्री लेने के, इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे ही बहुत विश्वासी है जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे ही आते कलीसिया में डक्का मार के आता है। ऐसा मत बनो, शारीरिक विश्वासी मत बनो। कोई शैतान ऐसे लोगों को फंसाने के लिए बहुत तैयार है, वो शैतान बराबर जानते हैं। एक आत्मिक विश्वासी बाइबल लेके पकड़ने से नहीं मिलता है, बाइबल अंदर रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो पवित्र आत्मा बोलते हैं सुनो, सुनो, नम्र बनो, सुनो, सब आशीष आएंगे। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बात को नहीं सुनेंगे आप आत्मिक नहीं बन सकते हैं। हालेलुया। आप टाइम पास करने के लिए आते नहीं, तो आत्मिक बनो, शारीरिक विश्वासी मत बनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। क्योंकि वो ही है जो अंत तक विश्वास योग्य रहेंगे, नहीं तो बहुत लोग निकल जाएंगे बीच में, क्योंकि वो आत्मिक नहीं है, वो शारीरिक विश्वासी है। तो हमको कौन सा विश्वासी बनने का है? आत्मिक। फिर अंत तक हम विश्वास योग्य रहेंगे, कोई आएगा, कोई हिलेगा डुलेगा। दाऊद बोलते मैंने यीशु को आगे रखा है, मैं हिलेगा ही नहीं, मैं डुलेगा ही नहीं। कोई लोग कलीसिया में आके चक्कर मारेंगे पूरा चारों ओर, नहीं तो मोबाइल लेके या गप्पा गोष्ठी मारेंगे। वो क्या है? वो शारीरिक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। इधर वचन चल रहा है, उधर घूम रहे, इधर उधर चलेंगे, दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, टाइम पे नहीं आएगा, लेट आएगा, किधर भी जाके बैठेगा और दोनों बातें करेंगे, दो तीन लोग उसका जैसा दो तीन लोग को बिठाएंगे साथ में, उनका साथ बातचीत करेंगे और स्टेटस दिखाएंगे। मीटिंग चालू है, क्या देख रहे हो लोग? स्टेटस देख रहे हैं, कप्पा गोशी करके बैठेंगे। वो बोलते हैं शारीरिक विश्वासी, वो टिकेगा नहीं अंत तक, वो टिकेगा ही नहीं। जो आत्मिक है, चाहे आप लोग अनपढ़ है कोई बात नहीं, पर आप आत्मिक है, आप ज्यादा टाइम प्रार्थना में, वचन में, सब में आप घुस जाएंगे और घुस जाएंगे। किसको बोलना नहीं पड़ेगा, बाइबल पढ़ा क्या? पहले मुझे भी कंटाल लगता था बाइबल पढ़ने के लिए, पर जब मेरे को मालूम पड़ा कि बाइबल में बहुत पावर है, मेरे को पावर होना चाहिए, तो मेरे को ये पढ़ने का, मैं पढ़ने कभी भी कंटाल आते फिर भी पढ़ो। फर्स्ट रैंक मिलने के लिए हमको पढ़ना है तो पढ़ेगा ही, तो पढ़ो बाइबल हर दिन बिना चुके पढ़ो। जितना आपका आत्मा बढ़ेगा उतना आप पावरफुल हो जाएगा, फिर डिप्रेशन के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। प्रभु का वचन नीति वचन में लिखा है, एक आलसी व्यक्ति, आलसी व्यक्ति का घर में जाओ उसका बगीचा, उसका खेती है। प्रभु का वचन में जो मन में कौन सा वचन है वो वचन बहुत ये, पिछले हफ्ते प्रभु उनसे बातचीत कर रहा हूँ उस वचन क्या होगा। एक लेजी मैन, एक आलसी व्यक्ति, उसका खेत में बहुत सारा झाड़ियाँ रहेगा, हाँ बहुत सारा कीड़े मकोड़े रहेंगे, सांप रहेंगे, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, वो सोते रहेगा। और उधर पूरा खेती बड़ा हो गया, कटनी करने कोई नहीं है, उनको आलसी है, उसको उन्नति नहीं करने के। अगर आपको आत्मिक उन्नति का है, क्या करना है? आपको मेहनत करना पड़ता है वचन में, प्रार्थना में, सब में। आप डिग्री लेके आओ, पढ़ाई करो, लिखाई करो, चलेगा, पर बाइबल में ज्यादा मेहनत करो, आत्मिक चीजों में मेहनत करो। ऐसे लोग के साथ संगति करो जो आत्मिक है, जो चुगली कोर के साथ बैठेगा आप भी चुगली कोर बनाएंगे, जो दूसरों को गिराने वाले व्यक्ति के साथ बैठेगा आप भी सबको गिराते ही जाएंगे। इसके बारे में बताएगा, उसका बारे में मजाक उड़ा के बैठे, पर आत्मिक व्यक्ति का साथ बैठो आप भी आत्मिक बनेंगे, विश्वासी के साथ बैठो विश्वास आप स्ट्रांग रहेंगे। हेलो, कितने आत्मिक विश्वासी है? यस, हम सब आत्मिक विश्वासी होने का है। अगर आप बोल रहे नहीं अभी तक मैं सिस्टम में बाइबल पढ़ता ही नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आज से शुरू करो। कल सुबह उठ के पहले बोलो, पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, मेरे को आज से आत्मिक बनने का है। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, प्रभु आपका आत्मिक, पवित्र आत्मा है ना हमारा साथ, हमारे बेस्ट फ्रेंड कौन है? पवित्र आत्मा, वो है ना हमारा साथ, बस उसका हेल्प लो, उसका मदद लो। पवित्र आत्मा मुझे वचन सिखाओ, प्रार्थना करने के लिए सिखाओ, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। फिर क्या होएगा कि कोई आपको बोलने का दरकार नहीं, चलो आज बोले, चलो नवरा ये नवरा ही नवरी है या क्या बोलते भाई को, ये नवरा है, जाओ या हमें कलीसिया में, क्योंकि आप आत्मिक व्यक्ति है। शारीरिक व्यक्ति बोलेगा ये नको जायचं नाही, तिकडे नाही जायचं आता, बिल्कुल नाही जायचं तिकडे, कशाला
बात चांगला नाही तिकडे आम्ही तिकडे जाऊ तिकडे जाऊ इकडे जाऊ जाते 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 आम्ही घर में बैठ के ताली बजा कि तू भी नहीं जाएगा फिर बीमारी एक्सीडेंट देगा हार्ट अटैक करेगा निकल जाएगा नर्क में किधर गए आप लास्ट में नर्क में गए क्यों घमंड आत्मिक व्यक्ति ही नहीं था आप शारीरिक व्यक्ति थे लोगों के बातों में आते थे पवित्र आत्मा के बातों में आओ चमत्कार देखने के लिए इधर उधर भागो मत अरे तिकड़े बहुत खूब चमत्कार होते चला पढ़ूया तिकड़े पर आत्मा में आप जीरो है अभी भी जीरो है शारीरिक व्यक्ति खाली चमत्कार के लिए गया वहां पर क्या मिला अभी भी वही व्यक्ति जीरो में ही है तो प्लीज आत्मिक जीवन व्यक्तिगत है आपका ऊपर है कितना आपको बढ़ना है यीशु में इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है क्या बने आपके ऊपर है या अभी भी पहला स्टैंड आपको अच्छा लगता है पर अपना बच्चा 20 साल का हो गया अभी भी बेड में सुसु करते हैं अच्छा लगता है हाँ 20 साल उम्र हो गया अभी भी बेड में क्या करते हैं सुसु करते हैं अच्छा लगता है आपको अच्छे नहीं लगते फिर परमेश्वर को कैसा अच्छा लगता है अभी भी हम लोग क्या नहीं हमको प्रार्थना नहीं करने का कुछ नहीं करने का कंटाला आता है फिर बोलते हैं हमारा घर में पैसा का बरकत क्यों नहीं आते मम्मा हमको आशीष क्यों नहीं आते कोई बिजनेस चलता ही नहीं है आप कितना आत्मिक बढ़ाया है हाँ कितना वचन पढ़ते हैं कितना प्रार्थना करते हैं सब कुछ आने का यीशु में जैसा आता है हमको सब चाहिए पर प्रभु के लिए मैं कुछ नहीं करेगा आगे पालन नहीं करेगा हेलो तो प्लीज आत्मिक हो जाए ऑटोमेटिकली धन दौलत सब जीवन सब आएंगे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ओके सिस्टर ओके हालेलुया ओके बहुत सवाल है मेरे को मालूम है पर हम क्या करेंगे सारी सवाल को अगला हफ्ता हम प्रेयर बॉक्स व्हाट इज इट चमत्कारी भंडार लेंगे आपको अगर रहस्य क्वेश्चन है उसमें आप बिना नाम डालेंगे हर हफ्ता एक सवाल को हम उठाएंगे और उत्तर देंगे ओके ठीक है एक मिनट ठीक है देखो क्या लिखा एक वचन कहता है क्या वचन कहता है आत्मा जीवन देता है शरीर मौत देता है वापस बोलता आत्मा जीवन देता है शरीर मौत देता है इसलिए जब हम आत्मा में घुसेंगे तो हम ऑटोमेटिकली वचन पढ़ेंगे प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमको मालूम है वो क्या देता है मीटिंग में आता है क्या मिलता है जीवन मिलता है आमेन इसलिए हमको क्या करने का उसके लिए पहले देखो कई लोग सोचते हैं हम आते साथ पवित्र हो जाते हैं नो उसको टाइम लगता है एक आदत बनने के लिए कितना दिन लगता है 30 दिन लगता है आमेन एक आदत बनने के लिए इसलिए आप 30 दिन अगर हर रोज वचन पढ़ेगा 21वां दिन आप पक्का वचन पढ़ेगा तब तक आपको क्या आप नींद आएगा तो भी क्या करेगा अभी कल एग्जाम है ठीक है आपको नींद आएगा आप क्या जाके सोएगा नहीं पानी मार के पड़ेगा चल के पड़ेगा वो क्या बोलते हैं ओनियन को क्या कांदा लेके काट के पड़ेगा क्यों क्योंकि कल उसी तरह आपका जीवन एग्जाम से बढ़कर है आपका जीवन एग्जाम से बढ़कर है जैसा आप एग्जाम के लिए तैयार होते हो वैसे आपका जीवन को तैयार करने का वचन पढ़ने का प्रार्थना करने का अन्य भाषा में हर रोज अभी तक नहीं किया आज से क्या करो आधा घंटा से करो आधा घंटा हर रोज प्रार्थना करो वचन पढ़ो अन्य भाषा में प्रार्थना करो आप आत्मिक व्यक्ति बन जाएंगे हालेलुया फिर दुनिया की चीजें आपको फीका लगेगा दुनिया की नशा आपको फीका लगेगा हालेलुया इधर आते मीटिंग में आपका आपका नशा छूट जाते क्यों आपको ये नशा अच्छा लगता है देखो एक व्यक्ति क्यों पीता है है अच्छा लगता है है आपको लगता है वो पीने के बाद सब कुछ है मैं उड़ रहा है थोड़ा थोड़ा उड़ने के बाद गिरने लग जाता तब मालूम पड़ता मैं गलत किया है कि नहीं उससे बड़ी नशा है वचन पढ़ना प्रार्थना करना मीटिंग में आना जब आप ये नशा को लगा देंगे
एक व्यक्ति नशा में घुसने के लिए कितना समय लगता है, तुरंत एक बॉटल नहीं पीता हूँ, पेग पीता है, क्वार्टर पीता है, पता नहीं क्या क्या है। मैं तो पिया नहीं। हालेलुया। उसी तरह आत्मिक जीवन पेग से चालू होता है, छोटी छोटी कदम से। जब आप करेगा छोटी छोटी कदम, बाकी प्रभु आपको बड़ी बड़ी कदम, बड़ी बड़ी कार्य को करवाएगा। ओके, शिवांगी का आखिरी सवाल पूछो। हाँ, पवित्रता होने के लिए देखो, पहली बात हमको जानने का, मेरा परमेश्वर पवित्र है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर वो अपवित्रता से नफरत करता है। परमेश्वर नफरत करता है। यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र हूं तुम पवित्र हो। हमारा निश्चय होने का, हमारा निर्णय होने का है, मैं पवित्रता के लिए जीऊंगा। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। जोर से बोलो, मैं पाप के लिए मर गया, मैं मसीहा के लिए जिंदा हूं। हालेलुया। इसलिए मीटिंग में आने का, इसलिए वचन पढ़ने का, इसलिए प्रार्थना करने का। आप पवित्र हो रहे हैं, आप आत्मिक व्यक्ति हो रहे हैं। जब आप वचन नहीं पढ़ेगा, आप वचन नहीं पढ़ेगा, प्रार्थना नहीं करेगा, मीटिंग में नहीं आएगा, पवित्र होने हो पाएगा? नहीं हो सकता। मीटिंग आपको पवित्र करता है। इधर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का वचन कहता है, दो या तीन मेरे नाम पर जहां पर भी जमा हूं मैं हूं। जब आप इधर आते हैं, इन वचनों को सुनता है, ये वचन मेरा नहीं, ये परमेश्वर का बोली है, परमेश्वर की आवाज है, जो आपके अंदर जाकर आपको पवित्र बनाएगा, हफ्ता भर आपको पवित्र रखेगा, हफ्ता भर नशा से नहीं, पवित्र आत्मा से आपको भरेगा। हालेलुया। इसलिए आपको आने का है, आपको पवित्र करता है। आप नंगा पैर चलने से पवित्र नहीं होता, सर को मुंडवाएगा तो। धर्म के काम आपको पवित्र नहीं करता, यीशु मसीह आपको पवित्र करता है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मुझे पवित्र करता है, उसका वचन मुझे पवित्र करता है, उसका लहू मुझे पवित्र करता है, क्रूस मुझे पवित्र करता है, वो सामर्थ है उधर। जब आप घोषणा करेगा, आप पवित्र होगा, नफरत करेगा शैतान और शैतान की हथकंडों को। इसलिए वचन पढ़ने का, वचन पढ़ता है, परमेश्वर जो लिखा है परमेश्वर की स्वभाव जैसा होता है। वचन बोलता है, आपका मन प्रभु की वचन से भरता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आपके अंदर से जीवन की नदियां भगे। आमेन। जब आप वचन पढ़ता है प्रभु की संगत, इसलिए रिश्ता इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने पहला बात चेलों को सिखाया, क्या सिखाया? प्रार्थना। पहला क्या किया? हे हमारे स्वर्गीय पिता, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। रिश्ता। जोर से बोलो, रिश्ता। रिश्ता आपको पवित्र करता है। रिश्ता ने आप इधर आके बैठेंगे कुछ नहीं मिलेगी। हर रोज बोलो, मेरा डैडी है वो, मैं उसका बेटा हूं। जोर से बोलो, वो मेरा डैडी है, मैं उसका बेटा हूं। माय गॉड, पौने नौ हो गया अब। ओके, जल्दी से। हाँ, छह सवाल। ओके, एक सवाल ले लेंगे। चलो, ये बेटी के लिए जोर से ताली बजाओ। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, प्रभु आपको दुनिया भर में इस्तेमाल करेगा। लिख कर रखो, इंडिया नहीं, वर्ल्ड में तुमको इस्तेमाल करेगा। आज से लिख कर रखो और बोलो। हाँ, ओके। मैं सातवीं कक्षा में था, किसी व्यक्ति ने मुझ पर भविष्यवाणी किया, तुमको दुनिया भर में प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैंने पकड़ा रखा है, इंडिया की कोना कोना गया हूं, अब दुनिया की कोना कोना जाऊंगा। ओके, छह का उत्तर मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, हम एक एक लेंगे, आप लिख के डाल देना। आज एक सवाल लेता हूं, पुनर्जन्म। देखो, बाइबल में पुनर्जन्म है ही नहीं, बाइबल में नया जन्म है। ठीक है, पुनर्जन्म देखो, ये दुनिया की कहानी, हम दुनिया की कहानी पर विश्वास नहीं करते, बाइबल पर विश्वास करते हैं। बाइबल बोलता है एक बार जीना और फिर उसका बाद न्याय। इब्रानियों की किताब में लिखा 11:27 है लगता है, 9:27 पढ़ो,
उधर लिखा है एक जीवन, हर व्यक्ति को एक ही जिंदगी है। उसका मतलब दोबारा आप बिल्ली कुत्ता बनेगा नहीं, आपको बनने का बनो भाई। कोई लोग बोलता मैं बिल्ली बनेगा, कुत्ता बनेगा, शेर बनेगा। अरे जानवर और आप में फर्क है, जोर से बोलो जानवर और मुझ में फर्क है। जानवर एक मरता है तो दी एंड है भाई, हमारा आप मरते तो दी एंड नहीं होता, हमको स्वर्ग नहीं तो नरक जाएगा। अगर आप यीशु के पीछे चलेगा, यीशु आपको स्वर्ग लेके जाएगा। यीशु को ठुकराएगा आप किधर जाएगा? जोर से बोलो मैं यीशु को स्वीकार किया हूँ, मैं यीशु के लिए जीता हूँ। इसलिए हमारा पांचवा मुद्दा है मैं यीशु में चालू किया। ओके हालेलुया, पुनर्जन्म नहीं है, नया जन्म है। नया जन्म क्या है? जॉन यूहन्ना 3 उसके 1 से पढ़ेगा 15 तक हम देखते हैं। उधर निकोदिमोस बोल के व्यक्ति से यीशु मसीह खुद बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तू अगर नया सिरे से नहीं जन्म लेगा तो तू स्वर्ग राज्य देख नहीं सकता, जा नहीं सकता। नया जन्म मतलब पानी और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा, इसलिए बपतिस्मा इंपॉर्टेंट है। ओके 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 जल्दी से बपतिस्मा की सर्टिफिकेट की दरकार नहीं, क्योंकि यीशु से मोहर लगाता है। दुनिया में सर्टिफिकेट की दरकार है पर वो कोई वैल्यू नहीं है। ओके हमारा वैल्यू स्वर्ग से है। ओके क्या लेंगे सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? प्रूफ करने का है कि आप क्रिश्चियन है, हमको प्रूफ करने की दरकार नहीं। ठीक है, हमको सर्टिफिकेट कौन देता है? यीशु मसीह। जोर से बोलो मेरा सर्टिफिकेट। जब आप हाँ जोर से ताली, जब आप बोलते हैं ना, जब आप बपतिस्मा लेते हैं आपका नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। किसके किताब में? किसी को बोला और क्या चाहिए उससे बढ़कर? ओके आमीन। कोई कोई वो चर्च की डॉक्ट्रिन है, ठीक है, वो प्रूफ के लिए पूछते हैं। इसलिए आप प्रार्थना करें लड़का जोड़ी यहीं पर रहे। ओके हमारे ओके बाकी सवाल हम बाद में क्वेश्चंस लिख के डालें। हर एक हफ्ता एक क्वेश्चन हम लेने वाला है, इसलिए आपको जो भी सवाल है आपके मन में लिख के डालिए, हम सवाल हर हफ्ता एक सवाल का उत्तर देंगे। पक्का? ओके आइए हम सब खड़ा हो जाए। कितने लोग को आज अच्छा लगा? कितने लोग कितने चीज